हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री गिरी क्लासेस एंड माय सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आज की वीडियो में आप लोगों को हम यहां पर जो बीएससी एग्रीकल्चर है, जिससे कि यहां पर सेकंड सेमेस्टर वालों के अभी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहां पर हम ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव्स जरूर से ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन इससे पहले के जो आपके हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग बैक की क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग यहां से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानवकृत दूध गाय के दूध से बनाने पर किस अवयव की अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन सी है, लैक्टोज, ठीक है। फिर इसके बाद है, लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो आप लोगों का नंबर बी है ऑप्शन, यहां पर डाइसैकेराइड है, ओके। ये सब पढ़ा है मैंने। सामान्य दूध में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 0.5% होती है, ठीक है। केसिन को कितने पीएच पर अवक्षिप्त कर सकते हैं, तो 4.6 मतलब पीएच पर अवक्षिप्त कर सकते हैं। दूध की नाइट्रोजन किस संयंत्र की सहायता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन डी है, जेलगल फ्लास्क के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, केप्टेम एंजाइम की अधिकता पशु को किस रोग से ग्रसित बनाती है, तो थनेला रोग से। आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एमाइलेज किसका जल अपघटन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सी नंबर है, 1 से 40 ग्लूकोसाइटिक बंध का, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का, खीस वह स्राव है जो कि ब्याने के बाद क्या होता है, तुरंत बाद प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब जानवर का जन्म होता है, ठीक है ना, मतलब वो जो बच्चे का जन्म होता है ना, जानवर जो होता है वो बच्चे को जन्म देता है, तो तुरंत बाद का जो दूध होता है वही आपका खीस कहलाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। आइए चलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा, खीस का संगठन तथा गुड़ सामान्य दूध से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है भैया, तो 1.042 मतलब 0.04 से 1.08 होता है, ठीक है, ये अपेक्षित घनत्व होता है। खीस का स्वाद कैसा होता है भैया, तो तीखा होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। खीस उबालने पर किसके कारण स्कंदित हो जाता है, तो ग्लोब्यूलिन के कारण, ठीक है, ग्लोब्यूलिन के कारण, है ना। खीस में किन वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, तो कैप्राइलिक और कैप्रिक की, ठीक है, इनकी मात्रा अधिक होती है। खीस में देखिएगा, उपलब्ध अधिक ग्लोब्यूलिन का उपयोग नवजात शिशु में किसके निर्माण में सहायक होता है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन है डी, हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, गाय का खीस कितने दिन में सामान्य दूध में परिवर्तित हो जाता है, तो भैया 2 दिन में, ठीक है ना, कितने, 2 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, एंजल तथा स्लैक के अनुसार कितने घंटों के पश्चात प्राप्त हुए खीस को गर्म करने पर एकंदित नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों का लिखा है 48 आवर, है ना, आवर्स 48 घंटे तक, ओके। आइए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, खीस के कार्य हैं, तो आप लोगों के देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन डी है, सभी हैं, प्रतिरक्षा, आरेचक और हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ठीक है। खीस में संपूर्ण ठोस की मात्रा कितनी होती है, तो 17.5% होती है, ठीक है। खीस के अभाव में नवजात शिशु जो बच्चे होते हैं उनको क्या पिलाते हैं, तो अरंडी का तेल पिलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। खीस की विद्युत चालकता दूध की अपेक्षा होती है, क्या होती भैया, अधिक होती है, ओके। खीस पिलाने से बच्चों में क्या बढ़ती है भैया, रोग प्रतिरोधिता, है ना, रोग प्रतिरोधिता बढ़ती है, ठीक है। खीस में लाल रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है भैया, रक्त का मिश्रण दर्शाता है, ओके। खीस से दूध में परिवर्तन के समय किन तत्वों को जो है छोड़कर बाकी सब में कमी आती है, तो 2 हैं, वसा एवं लैक्टोज में, ठीक है। खीस में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है भैया, तो 75% होती है, कितनी, 75%। खीस की विद्युत संचालकता किसके कारण अधिक होती है, तो भैया क्लोराइड के द्वारा, ठीक है। किन खनिज तत्व की मात्रा खीस में कम होती है, भैया पोटेशियम में, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो किस एंजाइम की मात्रा खीस में अधिक मिलती है, भैया कैटलेज की, ठीक है। पास्तरीकरण विधि की खोज किसने की थी, भैया लुई पाश्चर ने की थी। डिप्थीरिया बैसिलाई जीवाणु 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी देर से में मर जाते हैं, 10 मिनट में, भैया, ठीक है। कम ताप अधिक समय विधि को किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो भैया यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, ए बी हैं, बैच पास्तरीकरण से और धारण विधि से, ओके। पास्तरीकरण दूध का स्वाद होता है भैया कैसा, कुछ जो है
ऑप्शन है आपका डी, कट जाता है, ठीक है ना, स्वाद जो होता है वो थोड़ा सा कट जाता है, मतलब पास्तरीकरण करने से, है ना, दूध जो होता है। दूध का पास्तरीकरण 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए किस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं भैया करने के लिए, ठीक है, तो भैया बैच का, किसका, बैच का। दूध के पास्तरीकरण में कितने प्रतिशत जीवाणु मर जाते हैं भैया, तो 99% जीवाणु मर जाते हैं, है ना। कुंडों की दीवारों पर तथा पैंदों पर किस तरह की व्यवस्था होती है भैया, तो प्रतिरोधक की, है ना, प्रतिरोधक की। धुली हुई बोतलों में किस तापक्रम का दूध भरते हैं भैया, 69 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का, बोतल में पास्तरीकरण करने से भैया किसकी हानि नहीं होती है, तो भैया इनमें से कोई भी चीज़ की नहीं होती है, क्रीम हो गई, क्रीम लेयर, मक्खन हो गया, वसा हो गया, है ना। तो ये आपके रहे भैया कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम इसके आगे और बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को, ठीक ना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ही दिए जाएँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सुविधा मिल सके, है ना। और बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे भैया, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, साथ में कमेंट करके बताया करिए कोई प्रॉब्लम हुआ करे, बाकी लोगों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है ना। शेयर करने से ही आप लोगों को मतलब जो है थोड़ा सा हमें मदद मिलेगी, ओके। फिर मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लाकर, है ना, कुछ क्वेश्चन लाकर, है ना, ओके। चलते हैं, वेरी वेरी थैंक्स सभी को जुड़ने के लिए यहाँ पर, सभी को धन्यवाद।